So, अब हम ये करके देखते हैं कि अगर किसी को आपने पैसे भेजने हैं इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड आउट सम अमाउंट टू टू सम पर्सन तो वो आप बग़ैर बैंक गए यानी बगैर बैंक जाए आप पे के जरिए आप कैसे अकाउंट यानी अपने ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट से आप कैसे पैसे सेंड कर सकते हैं विच इज़ वेरी सिंपल सो लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल डेमो ये मेरा वही अकाउंट है जो मैंने इससे पहले क्रिएट किया था एज अ बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया था मैं अभी ऑलरेडी लॉग इन हुआ हुआ हूँ ये हमारे पास एक मेन हम लोग का डैशबोर्ड था तो लेट सपोज मैं अभी समरी पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरी सारी डैशबोर्ड की समरी दिखा देगा अब हम क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन सेंड मनी सो उसके दो तरीके हैं आप टूल में आके भी यहाँ पर आ सकते हैं सेंड मनी पे या आप मनी पे आप क्लिक करें तो यू कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र अमाउंट या सेंड और रिक्वेस्ट मनी मैं ट्रांसफर अमाउंट पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो ऑल आई नीड इज के मुझे एक वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए टू सेंड द मनी लेट सपोज जब मैं सेंड पे या मैं टूल्स पे गया सेंड पे गया तो यहाँ पे मेरे पास सेंड के अंदर ये तीन ऑप्शन आ रही हैं यू कैन पे फॉर गुड और सर्विसेज यू कैन सेंड मनी टू योर फैमिली और फ्रेंड्स मेक अ मैस पेमेंट टू फाइव थाउजेंड पीपल और इसी तरह आप फिर पैसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं लेट सपोज डेमो परपज मैं or, पे फॉर गुड और सर्विसेज पर क्लिक करता हूँ तो ऑल आई नीड हेयर इज अ वैलिड ई मेल एड्रेस अब ई मेल एड्रेस पर मैंने क्लिक किया मैं कोई भी ई मेल एड्रेस दे देता हूँ लेकिन वैलिड होना चाहिए उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा अब मुझसे वो यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ टेन डॉलर कर देता हूँ उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि जी कंटिन्यू करना के नहीं करना मैं लेट सपोज कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब वो मुझसे कह रहे कि जी प्लीज सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड तो यहाँ पे आपने अब ये क्योंकि हम लोग डेमो कर रहे हैं तो जानबूझ के मैंने अभी यहाँ, यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड यहाँ पे अटैच नहीं किया अगर आपने यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड अटैच किया होता तो जस्ट लाइक ऑनलाइन पेमेंट आपके पास यहाँ पे आपकी डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती आपने सिंपल वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी थी और सेंड नाउ करना था दिस इज इट तो जो भी आपने ई अकाउंट दिया हुआ है इस ई अकाउंट के साथ जो भी आपका पेपाल का अकाउंट अटैच है तो आप यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली इस पेपाल के अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे डिटक्ट हो के, दूसरे पेपाल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे इंस्टेंटली सो दिस इज ओवर अ सिंगल क्लिक सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफर अमाउंट यूजिंग अ पेपाल